दिस इज़ योर सेकेंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट इज सेंटेंस, और अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हियर वी गो। देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं? फाइव टाइप्स ऑफ। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस, फोर्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड फिफ्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि ये होते क्या क्या हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें कि हम कुछ बताएं, वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, और इन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इट में इधर भी अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव मतलब कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव इन नेचर, या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं। इन एन असर्टिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज मोस्टली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब एंड अ फुल स्टॉप इज यूज एट द एंड। इसमें असर्टिव सेंटेंस में क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से पहले लिखा होता है ज़्यादातर, और ये एंड किससे होता है? एक फुल स्टॉप से। हम एग्जांपल्स देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के, ये होते हैं ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। तो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी नहीं आ रही। नेगेटिव मतलब कि नॉट से, जहाँ पर वर्ड नॉट आ जाता है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे नेक्स्ट लाइन में देखो इसको कैसे हम नेगेटिव तरीके से लिखेंगे। ही इज़ नॉट माय बेस्ट फ्रेंड, वो बता रहा है कुछ, यहाँ पे कुछ स्टेट कहा जा, मतलब स्टेट हो रहा है कि बताना, स्टेट्स या डिक्लेयर मतलब कि कुछ बताना। तो ये ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, वो बता रहा है, बट ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव, अफर्मेटिव। ही इज़ नॉट माय बेस्ट फ्रेंड, ये क्या है? नेगेटिव, क्योंकि इसमें नॉट आ गया। सेकेंड इज़ नितिन वर्क्स इन एन हॉस्पिटल। नितिन क्या है? सब्जेक्ट। अब देखो इसने ये भी बोला था कि हमारे असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वर्ब से पहले लिखा जाता है और ये फुल स्टॉप से एंड होता है, तो ऐसा भी होता है। तो ये हम सेकंड सेंटेंस में देखेंगे, नितिन वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। नितिन क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? नितिन के बारे में। तो ये सब्जेक्ट है, वर्क्स, वर्क्स मतलब कि ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले नितिन लिखा गया, दैट इज़ सब्जेक्ट लिखा गया, और ये इन अ हॉस्पिटल, ये बाकी प्रिडिकेट, और हमारा जो ये सेंटेंस है किससे किससे एंड हो रहा है? फुल स्टॉप से। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नितिन डज नॉट वर्क इन अ हॉस्पिटल, अब नॉट आ गया तो ये एक नेगेटिव फॉर्म बन गया। ठीक है, शीना अटेंडेड अ पार्टी लास्ट नाइट, शीना ने पार्टी अटेंड की लास्ट नाइट। तो इसमें कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है, उसने अटेंड की, कहीं भी नेगेटिव चीज़ नहीं है, नॉट नहीं है, तो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। शीना डिड नॉट अटेंड अ पार्टी लास्ट नाइट, अब डिड नॉट आ गया ना तो मतलब कि ये नेगेटिव फॉर्म हो गया। द बॉय इज़ इनोसेंट, द बॉय इज़ इनोसेंट, तो ये क्या है? अफर्मेटिव। अगर इसे नेगेटिव में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? द बॉय इज़ नॉट इनोसेंट, जहाँ पे भी ये नेगेटिव वर्ड आ जाता है ना, नॉट, नेवर, ये सब क्या हो जाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। अब आता है सेकेंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें कि कोई किसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद अ मार्क ऑफ इंटरोगेशन, और ये किसे एंड होता है हमेशा सेंटेंस? मार्क ऑफ इंटरोगेशन, ये क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इट कैन बी स्टेटेड इन टू वेज, ये हम दो तरीके से बोल सकते हैं। इंटरोगेटिव बेसिकली जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हम दो तरीके से स्टार्ट हो सकता है, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, या फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब से कैसे स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, इज़ ही योर बेस्ट फ्रेंड, क्या वह तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? तो ये अब ये वाले जो सेंटेंस आप देख रहे हो, इज़, विल, मे, डू, हैज़, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो ये वाले जो सेंटेंसेज है ये किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से है, और देखो ये एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क्स से या मार्क ऑफ इंटरोगेशन से, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। विल ही सिंग अ सॉन्ग, मे आई कम इन, Do you go to school daily? Has he invited his friend? तो ये क्या है? Is, will, ये जो जितने भी वर्ड है ना, is, will, may, do, has, ये क्या है? Helping verbs। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि
पहले तो इंटरोगेटिव सेंटेंस एक तो हमारे हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, और सेकंड ये हो सकते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? वेयर, हु, हाउ, डब, व्हाट, व्हेन, ये क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो इन सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को इस तरीके से भी स्टार्ट किया जा सकता है। वेयर आर यू गोइंग नाउ, तुम कहाँ जा रहे हो? देखो वेयर, वेयर क्या है? हमारा क्वेश्चन वर्ड, और ये एंड कहाँ से हो रहा है? मार्क ऑफ इंटरोगेशन से, क्वेश्चन मार्क से। ये देखो ये, तो ये क्या है? एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर? हाउ डिड यू drive the car? What are you doing in my office? When do you go for coaching classes? ये सब question marks, question पूछ रहे हैं ना आपसे, कि या तो आप question पूछ रहे हैं, इसलिए ये कि ये interrogative sentence है। और ये end किससे हो रहे हैं? mark of interrogation से। और ये किससे start हुआ है? question word से। तो दो तरीके से start हो सकते हैं, या तो helping verb से या फिर question word से। थर्ड आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव मीन्स अर्जेंट और एसेंशियल कॉलिंग फॉर इमीडिएट अटेंशन। इम्पेरेटिव का क्या मतलब है? इम्पेरेटिव का मतलब है किसी भी अर्जेंट या फिर किसी भी ज़रूरी चीज़ को बताना, जो कि जिसके लिए हमें एक इमीडिएट अटेंशन चाहिए। सच सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ कमांड, या तो ये सेंटेंसेस जो होते हैं क्या एक्सप्रेस करते हैं? कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, एंटिटी, ठीक है, ये सब, ये जो एडवाइस, कमांड, ये सब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस करता है। अ फुल स्टॉप इज पुट एट द एंड ऑफ सच सेंटेंसेस, और इन सेंटेंसेस के एंड में क्या यूज़ होता है? फुल स्टॉप। एग्जांपल्स देखेंगे, काइंडली हेल्प द पुअर, ये क्या है? एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ओपन द डोर, ऑर्डर है ये। टेक दीज मेडिसिन थ्राइज अ डे, एडवाइस है। तो ये कौन से एग्जांपल, ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स, जिसमें एक सडन या फिर अर्जेंट या फिर असेंशियल चीज़ आपको बताई जा रही है, और इस पर इमीडिएट रिएक्शन चाहिए, मतलब कि जितना जल्दी हो सके आप इस चीज़ को माने या आप किसी को समझाएं, ठीक है। फोर्थ आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश और प्रेयर। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं? या तो विश या फिर प्रेयर। जर्नली एन ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद मे एंड विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, जर्नली क्या होता है कि ये जो सब सेंटेंसेस होते हैं, ये किससे स्टार्ट होते हैं? मे, काइंडली, इन सब से। और एंड किससे होते हैं? ये मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क से। ये देखो आप, एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको दिख रहा होगा किस तरीके से, एक डंडा होता है उसके नीचे डॉट होती है, ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो एग्जांपल्स देखेंगे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, भगवान आप सभी को ब्लेस रखे। तो ये जो मार्क देखो आप, एंड किससे हो रहा है? ये एक्सक्लेमेटरी मार्क से। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मे से। मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत लंबी उम्र जियो। तो ये लॉन्ग के आगे देखो आप, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मे से। ये एक विश है या फिर कोई आपको, आपके लिए प्रे कर रहा है। तो ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ऑप्टेटिव। मे यू गेट वेल सून, आप जल्दी से अच्छे हो जाओ। तो ये विश है लोगों की, ठीक है। तो ये वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। लास्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशनल फीलिंग लाइक जॉय, सॉरो, वंडर और रिग्रेट। ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ये आपके एकदम से दुखी या सुख या फिर कोई चौंका देने वाले, जो आप जिनसे एकदम से शॉक हो जाओ, ऐसे सेंटेंसेस को बताता है, जिसे किसी चीज़ को देख के आप इतना खुश हैं कि आपने कुछ बोला, या इस टाइप से ये सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो आपके सडन फीलिंग को बताते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, कोई आ रहा है और आपको एकदम से सरप्राइज मिल रहा है, तो आपको लगता है अरे कितनी अच्छी बात हो गई। तो ये जो सेंटेंस होता है, ये एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन मार्क इसमें यूज़ होता है, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से ये सेंटेंसेस होते हैं। What a clever boy you are, मतलब उसके चतुरता से वह खुश है, कि मतलब कितने होशियार हो तुम। How sweet of you, आप कितने अच्छे हो। What a clever girl your sister is, आपकी बहन कितनी इंटेलिजेंट है या फिर आपकी बहन कितनी होशियार है। How beautiful the moment is, और ये कितना अच्छा मोमेंट है। इस टाइप से ये जो मार्क है, इसमें भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ होता है,
ठीक है। तो ये हमने पढ़े 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब इसके बेसिस पे हम करेंगे एक्सरसाइज। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।